नमस्कार दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए 2017 कैसा रहेगा जानिए इस वीडियो के दौरान। यदि आपकी राशि मीन राशि है तो आप अपनी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप अपनी पुरानी नौकरी को एकदम ना छोड़ें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है यदि आपकी नौकरी कहीं पर आप सोच रहे हैं कि अच्छी जगह पर लग जाए तो उसके पहले ही आप अपनी पुरानी नौकरी को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आपकी कोशिशें बेकार जा सकती हैं। इस साल में आप अपनी पहले नौकरी की व्यवस्था कर लें फिर ही अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ें। ऐसा करने से आपके पास नौकरी भी हमेशा हाथ में रहेगी, जिससे कि आपका भाग्य कभी भी इधर उधर नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हमेशा आपका साथ दे और आपकी किस्मत में कोई भी परेशानी ना आए तो उसके लिए आप कोशिशें ये करें कि आपने जो भी करीबी हैं उनसे ज्यादा भी मनमुटाव ना रखें, लड़ाई झगड़े ना करें, बहस बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से यह साल आपका बिगड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि यह साल आपका हंसता हुआ जाए और हमेशा खुशनुमा जाए तो उसके लिए आप तैयार कर लीजिए अपनी तरफ से कोशिशों को, क्योंकि आपकी कोशिशें आपको अचूक फल देंगी। यदि आप ही कोशिश नहीं करेंगे तो उससे आपकी परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आपको बीच में कोई अच्छे फल मिल सकते हैं या फिर आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी या फिर आपकी आर्थिक स्थिति और भी बेटर हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा फर्क ना पड़े तो आप इस कोशिशों में लगे रहें कि आप किसी से बहसबाजी बिल्कुल ना करें। आप चाहे नौकरी के पेशेवर में हो या फिर कहीं आप कर रहे हैं जॉब, तो उसके लिए भी आप अपने इसे बढ़ो के कोई भी बात ना मानने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इस साल में आप वही करें जैसा कि आप चाहते हैं, लेकिन आप अपनी हद से ज़्यादा अपनी तारीफ बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपको आगे जाके परेशानी हो सकती है। यह साल आपका सामान्य रहेगा तो इसमें ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। यदि आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा रहे अच्छा, तो उसके लिए आपकी एकरता के लिए ये साल बहुत अच्छा है। यदि आप पढ़ाई करने वाले हैं और आप मेहनत करके कुछ पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये साल मेहनत वाला ही है। आप इस साल में मेहनत कीजिए और आप जो फल चाहते हैं आपको जल्द ही मिल जाएंगे। इस साल में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद जो आपको फल मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आप अपने परिवार में सामंजस्य बनाए रखें, क्योंकि इस साल में यदि आप सामंजस्य बनाए रखते हैं, एकता बनाए रखते हैं, तो आपके परिवार में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि आप थोड़ी सी भी इधर उधर की नोक झोंक करते हैं तो उससे आपका ये साल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो कोशिश करें कि आप अपने परिवारों के बीच में सामंजस्य जरूर बनाए रखें। और यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे तो इस साल आपका स्वास्थ्य की वजह से आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है, तो इस साल सतर्कता बरतें, क्योंकि यह साल में आपका मोटापे बढ़ने के चांसेस लगते हैं। तो आप कोशिश करें और अपने जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने खाने पर ध्यान दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके मोटापे पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा और आपका जीवन अच्छा रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आप किसी से प्यार करते हैं और इस साल आप उसे इजहार करने जा रहे हैं तो आप जरूर जाएं, क्योंकि ये साल में आप अपने प्यार को जरूर पा लेंगे। तो आपका ये साल कुल मिलाकर अच्छा है, लेकिन उसके लिए आप थोड़े से उपाय कर सकते हैं। आप सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल जरूर दें। नहा धोने के पानी में आप थोड़ी बहुत चुटकी भर हल्दी डालें। ऐसा करने से भी आपके जो भी है समस्या इस साल में वह सभी दूर हो जाएंगी और इस साल वह आपके अचूक फल देने वाला रहेगा और यह साल कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। तो इस साल के लिए आप थोड़ी सी तैयारी बरतें और थोड़ी सी सतर्कता भी बरतने का आपकी तरफ से फायदा होगा, जब ही आपका ये साल अच्छा जाएगा।